कायनात की नुमाइंदगी करना या ना करना दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि उसको इत्तफाकी नमूना बंदी इसी तरह कहा गया है कि अगर हम गंदम के ढेर में से एक मुट्ठी उठाते हैं तो हम कोई पूरे ढेर में से कुछ भी डिसाइड नहीं होता कि हमने कहाँ से उठाना और कौन से दाने मुंतखब होने हैं, इसलिए पूरे ढेर के इक्वल चांसेस होते हैं वो सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, और ये 100% अपने कायनात की नुमाइंदगी 100% उनके मुंतखब होने के चांस होंगे या नहीं होंगे, इसलिए बस जो इत्तफाकी तौर पर जो जो चीज़ें या जो सैंपल हमारे हाथ में आ जाता है वो उस बाकी कायनात की नुमाइंदगी कर रहा होता है। इत्तफाकी नमूने में ये यकीन कर लिया जाता है कि जो नमूने के जुमला अरकान में हम आ गए और कायनात की नुमाइंदगी करते हैं, नहीं ये भी यकीन है कि कायनात के हर रुकन को नमूने में शामिल होने के एक मौका हासिल है, इसलिए नमूने में जो भी अरकान आएंगे वो कायनात की नुमाइंदगी करेंगे। जैसा कि ये पहले भी बता दिया है कि इसमें जितने भी अरकान नमूने में जितने भी अरकान शामिल होते हैं उनको उनके बारे में यही समझा जाता है कि ये सारे इस इनके सारे ख्वास होते हैं, जो इस सैंपल की जो ख्वास हैं वो कायनात के ख्वास के साथ हमांग होते हैं, मतलब इनमें भी वही ख्वास पाए जाते हैं जो कायनात में पाए जाते हैं, और ये कायनात की अपनी कायनात की नुमाइंदगी भी करते हैं। इसके अलावा सादा इत्तफाकी नमूना बंदी इतनी कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर हम माशरती हालात की बात करें तो माशरती हालात में इतनी यकसानियत नहीं पाई जाती जितनी के मादा अशिया में पाई जाती है, जितनी के ठोस अशिया में पाई जाती है। माशरती हालात चेंज भी हो सकते हैं वन बाई वन, पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी माशरती हालात चेंज भी हो सकते हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि माशरती हालात में इतनी होमोजेनिटी पाई जाती है। होमोजेनिटी एक जैसा चीज़ों का या हालात के एक जैसे होने को कहते हैं, इसलिए सदा इस वक्त नमूनाबंदी इमरानियात में मखसूस हालात में इस्तेमाल की जाती है। एग्जाम्पल है कि जैसे किसी गांव में हम मकानों की तादाद 80 है और सारे मकानात कच्चे हैं, हमें उसमें से 20 मकानों का नमूना दरकार है, तो हर गांव का हर चौथा मकान जो होगा वो हम अपने नमूने में शामिल करेंगे, और ये चाहे नमूने के ये मकानात कहाँ हो और किसी के हो, हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं, बल्कि बस हर चौथा मकान है जो वो हमारी नमूनाबंदी में शामिल होगा। तो इंतखाब ये तरीका सादा इत्तफाक नमूनाबंदी कहलाएगा। इसी तरह जराइम के माली नुकसान के अगर एग्जांपल लें तो अगर हम ये अंदाज़ा करना चाहें कि जराइम के बाद जो माली नुकसान होता है उस पर तहकीक करें तो उसके लिए हमें सैंपल चाहिए होगा। ऑब्वियसली जो जराइम करने वाले अपराध होते हैं वो जेलों में होंगे, तो और तो हम इस पर जेलों में जाकर अपनी तहकीक करना चाहेंगे, तो हम हर जेल का मुताला जेल में जाकर जराइम पेशे अपराध का मुताला नहीं करेंगे, बल्कि हम एक जेल को जिसमें जो सैंपल होगा वो इनफ होगा, जिसमें लोगों की तादाद 100 या इससे कम ज़्यादा होगी, इतनी इनफ तादाद होगी तो हम इस एक जेल को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम इस चीज़ को मानते हैं कि जो एक जेल में रहने वाले मुजरम हैं उनके जो ख्वास है किसी और जेल में रहने वाले मुजरम होंगे उनके ख्वास से मिलते जुलते होंगे, इसलिए एक जेल को इंतखाब करके हम वहाँ से अपनी सहूलत की खातिर डाटा कलेक्ट कर लेंगे। ये सादा इत्तफाकी नमूनाबंदी है, उसके बाद सादा इत्तफाकी नमूनाबंदी के ख्वास पढ़ेंगे, इसकी खूबियाँ कौन कौन सी होती हैं, इस नमूना में तरीका हासिल करना नहायत आसान है, कायनात के तमाम अफराद के ख़ास शख्स होने की वजह से इसमें तहकीक करना भी आसान होता है, इस नमूने पर कम खर्च हासिल होते हैं, और कायनात के तमाम ख़ास एक जैसे तमाम कायनात के तमाम अरकान के ख़ास एक जैसे होने की वजह से यकस मालूम हासिल होती हैं, इस नमूने पर तहकीक के लिए कम तलबीज याफ्ता अमला चाहिए होता है, और इस पर इस कायनात में नमूने में कायनात की नुमाइंदगी के इम्कान ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह से सादा इत्तफाकी नमूनाबंदी की खामियाँ कौन कौन सी होती है, सादा इत्तफाकी नमूनाबंदी के जो नुकसान है वो मुतज़ैल हैं, कायनात के तमाम अरकान में हूबहू यकसानियत नहीं पाई जाती, होमोजेनिटी नहीं पाई जाती, इसलिए नमूने का मुकम्मल तौर पर नुमाइंदगी करना मुश्किल होता है, और जब इसकी वजह से जब हमारे रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स को भी हम वसी लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते, उनका वसी लेवल पर इतलाक नहीं किया जा सकता। इमरानियात की कायनात में सादा इत्तफाकी नमूनाबंदी नहायत क़लील होती है, क्योंकि जैसा कि पहले भी बताया गया कि माशरती कायनात के माशरती हालात जो होते हैं उनमें यकसानियत नहीं पाई जाती, बल्कि ठोस चीज़ों में यकसानियत पाई जाती है,
इसलिए यकसानियत कम होती है इनमें और अख्तिलाफात ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर किसी कायनात के खास में यकसानियत हो भी तो नमूने का इंतखाब भी करना धुन नहीं किया जाता, मतलब अगर कायनात के पास में यकसानियत पाई भी जाए फिर भी नमूने का इंतखाब अंधा धुन नहीं किया जाता, बल्कि वो एक तरीका हमें इख्तियार किया जाता है, मतलब हम इतफाक़ी तौर पर इस तरह करते हैं कि फिर हर तीसरा या हर पांचवा, मतलब कोई एक मेथड इख्तियार करते हैं इतफाक़ी नमूनाबंदी के लिए भी, फिर जाके हमें लगता है कि कायनात की ये नमूना कायनात की नुमाइंदगी करता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो सादा इतफाक़ी नमूनाबंदी है कभी भी खालस नहीं होती, बल्कि इसकी खामियों को दूर करने के लिए हमें एक और नमूनाबंदी का सहारा लेना पड़ता है जिसे तबका वार नमूनाबंदी कहते हैं।